नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ग्राम पंचायत गरुड़ में हुए लाखों के विकास कार्य, कोरोना काल में भी मजदूरों को बेहतर रोजगार मिला, इसकी जानकारी हमें सरपंच श्रीमती गीता बिसेन और सचिव श्री भुवन सिंह कुमिलवार ने दी। इन्होंने बताया है कि विगत 5 वर्षों में निम्न कार्य करवाए हैं। पंच परमेश्वर धन मनरेगा सही कक्ष निर्माण लागत राशि 3,82,000, परफॉर्मेंस ग्राउंड से आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का निर्माण लागत राशि 95,000, परफॉर्मेंस ग्राउंड से आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का निर्माण लागत राशि 9,50,000, मनरेगा धन 14 CC रोड निर्माण लागत राशि 2,00,675, मनरेगा से शांतिधाम लागत राशि 1,80,000, मनरेगा से बड़ा तालाब निर्माण 5,98,000, मनरेगा से भूत आईडी बॉडी तालाब जोधा 7,17,000, सांसद निधि से शासकीय माध्यमिक शाला बाउंड्री निर्माण 7,00,000, जनपद निधि से सभा मंच निर्माण 2,00,000, स्टाम्प शुल्क राज्य से सामुदायिक भवन निर्माण 20,00,000 रुपए। ग्राम पंचायत वरुण में आज पंचायत चुनाव 2015 में चुनाव हुआ जी। आज 6 वर्ष हो गए पूरे जी सर पंचायत चुनाव को जी। जी आज की स्थिति और आज के 5 साल पहले वरुण क्या था जी? 5 साल पहले के वरुण और आज के वरुण में कितना अंतर है, ये तो गांव की जनता और आजू बाजू पूरे क्षेत्र की जनता जानती है जी। कि जब शुरू में जब हमारे यहाँ पत्नी सरपंच बनी, हमारी पंचायत बाड्डी पूरी जी, तो रोड से आदमी पैदल नहीं चल सकता था, पूरे सड़क पे पूरे संडास करते थे जी। पूरे बाजार चौक में खड़ा नहीं रह सकता था आदमी, इतनी गंदगी थी जी। सबसे पहले नई बाड्डी बनी, उसके बाद ग्राम पंचायत के सभी सरपंच पंच और गांव के नागरिकों के सहयोग से वरुण में सबसे पहले 100% शौचालय का निर्माण हुआ। उसके पर पूर्व जो सरपंच थे उन्होंने किसी को चेक दिया, किसी ने शौचालय नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया और राशि खर्चा कर ली और सब सड़क पे और रोड के किनारे शौचालय करते। सबसे पहले अपन ने शौचालय 100% वरुण में शौचालय बना करके एक गाँव को स्वस्थ और अच्छा वरुण बनाने की कोशिश की। उसके बाद वरुण में सतत विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई, यहाँ पे आंगनवाड़ी भवन नहीं था, जिला पंचायत से 9.5 लाख रुपए की आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किए, ये पंचायत भवन ई कक्ष बनाए, ये पंचायत भवन में जानवर चरते थे, गड्ढे थे बड़े बड़े, यहाँ पर जानवर बैठते थे, पूरी बाउंड्री वॉल बनाए। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है, मेरे कार्यकाल में ही हायर सेकेंडरी स्कूल खुला और वहाँ पे प्लस टू है, क्योंकि हायर सेकेंडरी बड़ी बड़ी बच्चियाँ पढ़ती है वहाँ पर, कई आवारा इधर उधर के लोग आकर के ताक झाक करना, ये करना। हमने सबसे पहले हमारा पहले लक्ष्य ये था कि यहाँ पे पूरा हायर सेकेंडरी की पूरी बाउंड्री वॉल बनाई जाए। हमने सांसद निधि से विधायक निधि मिलाकर 10 लाख रुपए में बाउंड्री वॉल का काम किया। हमने सबसे पहले तो पंचायत को सुचारू ढंग से चलने के लिए एक ई कक्ष बनाए जिसमें कंप्यूटर और अन्य जो कार्य सही सुचारू रूप से चल सके, उसी के लिए ई कक्ष भवन पंच परमेश्वर प्लस मनरेगा निधि से 3,82,000 लागत से निर्माण करवाए जिससे पंचायत के सारे काम काज सुचारू रूप से चल रहे हैं। और क्या क्या करवाए सर अपने गांव में? आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में जांच जिला पंचायत निधि से बनाए, CC रोड आवागमन हेतु बनाए, शांति राम लोगों के स्वस्थ होने पे उनका जहन संस्कार करने के लिए शांतिधाम भवन की शांतिधाम की व्यवस्था करवाई, पाइप पुलिया का निर्माण कराया, तालाब जोड़ा निर्बंध में कपिल धारा सिंचाई योजना की योजना में और अभी मसपुर के बाउंड्री वॉल सभा मंच और मूलक कार्य में मेड़बंधा सामुदायिक भवन है ना, सामुदायिक स्वच्छता परिसर 1, 2, 3, 4 कार्य का निर्माण कार्य करवाया गया। हाँ सर जी, ये बताइए आपके आगामी प्रोग्राम क्या है? अब आगामी प्रोग्राम जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार ग्राम की मूलभूत व्यवस्थाएं व्यवस्था से निर्माण कार्य करवाएंगे, जैसे लालगढ़ के अंदर हो गया वो कटरी और लालगढ़ रखा है,
तो सर आप यहाँ के सचिव मेरे दोनों का इस्तेमाल करें। जी, थैंक यू।